कंपनियों के अफसरों पर भड़कते आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हरियाणा में कल कुछ अलग हो गया। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। केंद्रीय मंत्री सैकड़ों लोगों के सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री की फजीहत करके निकल गए। अब बेइज्जती का ये वीडियो शहर भर में वायरल है। आज मैं था केंद्र सरकार के विषय के अंदर बात करने के लिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि जो मेरे दिल के अंदर बात होती है वो मेरे को कहनी पड़ती है। आज मुझे उदासीनता से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे आपसे कोई खास उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन के अंदर आपकी सरकार एमपी की मदद करेगी। जैसे ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 4 साल की विकास यात्रा पर बोलने के लिए माइक पर आए, ना किसी का अभिवादन, ना किसी का शुक्रिया, ना किसी का नाम, ना किसी का सम्मान। मंच पर बैठे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर नजर पड़ी तो उनका गुस्सा 50 के तापमान को भी पार कर गया। कार्यक्रम हो, केंद्र सरकार कैसा लग रहा हो और हम धूम दबा करके चले जाए, तो ये तो हम नहीं करेंगे। अगली बार बेहतर किया कि आपको आमंत्रित ही हाथ हमारे को आमंत्रित ही ना करें। और मैं कभी कभी साथ में ये भी उम्मीद करूंगा कि जब वो करें तो अगले केंद्र सरकार के कामों के अंदर खुद ब खुद केंद्र का उस महकमे का मंत्री उपस्थित होना चाहिए। इस देश की कहानी इस हाईवे से शुरू होती है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को गुरुग्राम में एक हाईवे और एक अंडरपास का उद्घाटन करना था। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे पहुंच गए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई 3 पर पहुंची, केंद्रीय मंत्री का मूड खराब हो गया। सीएम के इंतजार में मंत्री परेशान हो गए थे, गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। 3:30 बजे मंत्री निकलते हैं और 4 बजे सीएम उद्घाटन करते हैं। ये खबर सुनकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तमतमा उठे और शाम 4:30 बजे जब बुद्धिजीवी संगोष्ठी में दोनों का आमना सामना हुआ तो उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। आप बड़े व्यस्त हैं मैं जानता हूँ, लेकिन हम भी उसी सरकार के किसी पार्टी के हिस्से हैं जिसने आपको हरियाणा के अंदर सत्ता स्वीकार करवाया था। और आज इस तरह की सबके सामने देश की मंत्री भी हो तो पब्लिक में क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। एक तकलीफ जरूर हुई राव साहब को, लेकिन वह राव साहब का कायम हो गया, इस राज्य से कायम हो गया। केंद्र में जो बात होती है मैं तो निकाल देते हैं, वो मैंने रखते नहीं। ये बहुत एक स्क्रिप्ट है और इतना ही है कि ये बात पब्लिक में निकालने की बजाय घर के अंदर बैठ के निकाल तो आक्षेप रहेगी। केंद्रीय मंत्री के खराब मूड के बाद बुद्धिजीवी संगोष्ठी खत्म हो गई, लेकिन जब दोनों बाहर निकले तो सीएम अंदर हुई बात पर कुछ बोलना नहीं चाहते थे और मंत्री किसी से छिपाना नहीं चाहते थे। केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मोदी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिसकी 4th सालगिरह आज के दिन मनाई जा रही है, उसको वहाँ पर बिना इन्फॉर्म किए और प्रोग्राम चेंज कर दिया जाए तो ये राजनीति के अंदर उचित नहीं है, ये मैंने कहा। ये वही राव इंद्रजीत सिंह हैं जो 4 साल पहले सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। एक बार फिर सम्मान पर आंच आई तो सैकड़ों की सभा में सीएम पर ही बरस पड़े। सीएम समझ नहीं पा रहे थे जवाब का लहजा क्या हो, इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए कह दिया, घर की बात घर में ही होनी चाहिए। तो 2014 में बीजेपी ने जो कमाल किया था उन्हीं कहानियों को वो फिर दोहराना चाहती है। शहर शहर वही कोशिश हो रही है। इसी कोशिश में कल हरियाणा के सीएम और केंद्रीय मंत्री के बीच का विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा हो गया कि मंच से नीचे बैठी जनता मजे ले रही है।